अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर यासीन हियर, फाउंडर ऑफ स्टूडेंट्स नेक्सस बाय SMY। अच्छा, आज की जो वीडियो है दैट इज लॉन्ग अवेटेड वन, आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे। सो टुडे वी विल जस्ट बिगिन विद हाउ टू अप्लाई फॉर NEMS सेंट्रलाइज्ड एडमिशंस फॉर MBBS एंड BDS सेशन 2024-25 इन NEMS अफिलिएटेड एंड आर्म्ड फोर्सेज एडमिनिस्ट्रेड अटैच्ड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं क्राइटेरिया की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि दो मेजर कैटेगरीज है, ओपन मेरिट सीट्स जो कि पाकिस्तानी सिटीजन इंक्लूडिंग AJK और गिलगित बल्तिस्तान के लिए है, और पासिंग आपका देखे आपका MCAT NEMS जो कि 1 सितंबर 2024 को हुआ था, वो पासिंग उसका होना मस्ट, उसका पास होना। और MBBS के लिए 55% है, यानी 55% फॉर MBBS प्रोग्राम एंड 50% फॉर BDS प्रोग्राम। इसके अलावा आपका FSC में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और फॉरेन सीट्स के लिए आपको ये करना चाहिए कि एनी कैंडिडेट हु इज अ डुअल नेशनल पाकिस्तानी ओरिजिन और ओवरसीज पाकिस्तानी कैन अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन फॉरेन सीट्स। उसके बाद 12th ग्रेड आपके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, 60% आपकी FSC होनी चाहिए, MCAT पासिंग इसी के लिए भी सेम है। वन थिंग मोर, मेरिट कैलकुलेशन पे आते हैं, ये बराह रास्त आपको NEMS के ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूँ। मेरिट कैलकुलेशन ये है कि NEMS MCAT 50% काउंट होगा आपके मेरिट के लिए, 40% विल बी FSC एंड 10% विल बी योर मैट्रिक। इसके बाद आते हैं कि इसका शेड्यूल क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम 16th अक्टूबर वेंसडे। रजिस्ट्रेशन फीस ओपन मेरिट के लिए है ₹6,200 और ₹36,000 इज फॉर फॉरेन सीट्स। इसके अलावा लेट फीस है वो 7,500 है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन 25th नवंबर 2024। प्रोविजनल फिर BDS का होगा 17th जनवरी, फिर सिलेक्शन लिस्ट 29th नवंबर को डिस्प्ले होगा, और BDS का सिलेक्शन लिस्ट जो होगा 22nd जनवरी 2025 को डिस्प्ले होगा, और MBBS की क्लासेस 13 जनवरी से शुरू होगी और BDS की 10 फरवरी से। अब आते हैं लिंक पे, मैं आपको डायरेक्ट लेके जाता हूँ टुवर्ड्स द अप्लाई फॉर लिंक इन MBBS NEMS एफिलिएटेड जो कॉलेजेस है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट दिस इम्पोर्टेंट नोट कि सबमिटिंग एप्लीकेशन ओनली डज नॉट क्वालिफाई यू फॉर एडमिशन। आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन की है, आपकी एडमिशन नहीं हुई। एडमिशन उस वक्त कंफर्म होगी जब आपकी वैलिडिटी, बायो डेटा और एकेडमिक्स सब कुछ चेक किया जाएगा बाय द मेडिकल और डेंटल कॉलेज। पर्सनल इंफॉर्मेशन NIC सबमिटेड एट द टाइम ऑफ NEMS MCAT कैन नॉट बी चेंज्ड और एडिटेड। जो आपने जो जिस आईडी कार्ड से आपने NEMS टेस्ट के रजिस्ट्रेशन की थी, उसी आईडी कार्ड से आपने इस यहाँ पे अप्लाई करना है। पाकिस्तानी सिटीजन्स का ये है जो कि NEMS MCAT में पास हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट सीट्स पर। और एनी कैंडिडेट हु इज डुअल नेशनल हु हैव अपीयर्ड इन पास्ट MCAT तो वो फॉरन, मतलब जो सीट से वो फॉरन सीट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं और ओपन मेरिट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पासिंग परसेंटेज 55% MBBS, 50% फॉर BDS, बाकी मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया। अच्छा, IPCC सर्टिफिकेशन इज मस्ट फॉर ओ एंड ए लेवल स्टूडेंट्स, ये उनके लिए मस्ट है, ठीक है। और अटेस्टेशन बाय IPCC इज आल्सो रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट फ्रॉम पाकिस्तानी एजुकेशन बोर्ड। यहाँ पर इनका ईमेल भी दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स है, स्टेप वन क्या है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आपने कंप्लीट करनी है। मैं सब आपको बता दूंगा फ्रॉम A to Z के कैसे आपने कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आपने कंप्लीट करनी है, टेस्ट इन्फॉर्मेशन फिर आपने इसमें देनी है, और इसके बाद आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने देनी है और वो अपलोड भी करने हैं आपके ओरिजिनल इसके डॉक्यूमेंट्स। इसके आप पिक्चर भी ले सकते हैं JPG फॉर्म में, वहाँ पे खुद ही एक्सेप्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन यू विल हैव टू क्रॉस चेक कि वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। इसके अलावा कैटेगरी ऑफ सीट आपने चेक करनी है कि आपने ओपन पे अप्लाई करना है, फॉरेन पे अप्लाई करना है, या किसी मखसूस सूबे या उस सूबे की कैटेगरी पे आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन फीस जमा करनी है, फिर रिव्यू कर ले और एप्लीकेशन सबमिट कर ले। सो लेट्स बिगिन, बिस्मिल्लाह।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंक्स टू दिस नम्स एमकेट एस्पायरेंट जिन्होंने मुझे अपना तमाम डेटा दिया. आप सबको इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि इनकी सीट हो जाए, बिकॉज दिस पर्सन हेल्प मी एंड यू पीपल के हम नम्स की अप्लाई सही तरीके से करें. सो बिस्मिल्ला, फर्स्ट यहाँ पे आता है प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, आपकी कैंडिडेट आईडी और एप्लीकेंट नेम. ये आपके नम्स का एडमिट कार्ड पे होगा. मैंने इस कैंडिडेट की नम्स आईडी और कैंडिडेट आईडी मैंने हाइड की हुई है. फिर इसके बाद आपको नीचे आना है. यहाँ पर आपने इमेज भी अपलोड करना है, अपना सीएनआईसी भी आपने अपलोड करना है. नंबर के अलावा आप फ्रंट पेज सीएनआईसी का अपलोड कर सकते हैं, और फादर या गार्डियन का सीएनआईसी या पासपोर्ट नंबर आप उनका अपलोड कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक बोथ. यहाँ पर आपने डिटेल्स डालनी है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है, सीएनआईसी नंबर आपने सबमिट कर लिया, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, फिर जेंडर है, पेरेंट गार्डियन नेम, ये तमाम पेरेंट सीएनआईसी हो गया, तमाम डेटा आपने उसमें दे दिया. देखिए अब इसमें इनकम भी आपने डालना है, क्योंकि वो इस वजह से रिक्वायर्ड है बिकॉज बलूचिस्तान में सब्सिडाइज कैटेगरी बी है. मेरे ख्याल से इस एप्लीकेंट ने सब्सिडाइज कैटेगरी पे अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है आपसे तो लाजमी से बात है हिडन है ये इन्फॉर्मेशन. इन्होंने लिखा है 50,000 पर मंथ पेंशन. फिर पेरेंट और गार्डियन कॉन्टेक्ट, फिर रिलीजन, ईमेल वगैरह, ये सब कुछ आपने यहाँ पे दे देना है. उसके बाद अगर मदर इनकम नहीं है तो जस्ट राइट नील, नॉट अ बिग डील. प्रोविंस आपने लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर आपने दे दिया, ये आपने सेव कर लिया. यहाँ पर आकर आपने ये सेव कर लिया. इन्फॉर्मेशन टेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने डायरेक्ट वहाँ पे मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली भी आ जाएगा. टेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर ऑटोमेटिकली अपलोड नहीं हुआ आपका, आप इसको एडिट कर सकते हैं. जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन में कैंडिडेट आईडी और नेम तो आपका ऑलरेडी रिटन है, तो मैट्रिक से शुरू करते हैं, ओ लेवल या मैट्रिक. एग्जामिनेशन पास्ट आप ये लिख दे, जो आपकी डीएमसी पे आपका बोर्ड का नाम है वो लिखे, इंस्टीट्यूशन, ये तमाम डेटा आपने डीएमसी के मुताबिक इस पे लिखना है. और इसके अलावा जेपीजी फॉर्म में पिक्चर अपलोड कर दे इन एचडी, देन एफएससी या ए लेवल की आप यहाँ पर तमाम डिटेल्स दे दे एज पर योर डीएमसी, और फिर उसकी डीएमसी भी ओरिजिनल स्कैंड अगर हो तो बेहतर होगा, बल्कि ओरिजिनल स्कैंड ही आप ये अपलोड कर दें. तो ये भी सेव कर दे ये डेटा. उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, कैटेगरी ऑफ सीट्स. यहाँ पर लोगों को बहुत इशू हुआ था. देखिए प्राइवेट ओपन है, प्राइवेट फॉरन है, बलूचिस्तान मेरिट है. जो लोग फॉरेन के हैं वो फॉरेन में अप्लाई कर दे, जो अदर कंट्रीज हैं जो अदर कंट्रीज के वो प्राइवेट में और फॉरेन में अप्लाई कर दे, जो अदर प्रोविंसेस के वो प्राइवेट ओपन में अप्लाई कर दे. या अगर आप लोग भी चाहते हैं, मतलब बलूचिस्तान के तालिबे में आप लोग भी चाहते हैं कि प्राइवेट ओपन में अप्लाई कर दें, यहाँ पर आ जाए, प्रेफरेंस सेलेक्ट कर दे, अपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर दे, कैटेगरीज उसमें डाल दे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कैटेगरीज आप डाल दें. फिर उसके बाद कैटेगरीज के बाद यहाँ पर आप ये अपने प्रेफरेंस लिस्ट आप उसमें यू कैन एड इट देयर. ओके उसके बाद व्हाट यू विल हैव टू डू, अगर आप फॉरेन के हैं तो उसका भी इसी तरह होगा. वेल राइट नाउ अगर आप बलूचिस्तान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस तालिबे ने भी बलूचिस्तान के लिए अप्लाई किया है टू कैटेगरीज में. बलूचिस्तान में आपने टू कैटेगरीज पे अप्लाई कर सकते हैं. वन, अच्छा पहले डोमिसाइल आपने अपलोड कर लिया. डोमिसाइल अपलोड करने के बाद प्रेफरेंस वन एंड टू, प्रेफरेंस वन एंड टू वो आपने सेलेक्ट कर लिया. फिर कैटेगरी बलूचिस्तान ओपन मेरिट जिसका लास्ट ईयर क्लोजिंग था, आई थिंक सो इट वाज 84.67. फिर सब्सिडाइज कैटेगरी है. सब्सिडाइज का ये है कि 20% फीस आपको देनी पड़ती है, 80% नम्स खुद आपकी फीस या गवर्नमेंट से लेता है या नम्स खुद वो माफ़ कर देता है. और थर्ड कैटेगरी है वार्ड्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑफ बलूचिस्तान, मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं उनके बच्चे इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं. तो ये अप्लाई करने के बाद फीस होगी, तो फीस चालान आपकी बन जाएगी. फीस चालान आप प्रीवेंट सबमिट करके आप ऑनलाइन भी इसको जमा कर सकते हैं.
उसके बाद प्रीव्यू रिव्यू इट। रिव्यू करने के बाद देखिए कि आप किस मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, MBBS या BDS मेडिकल कॉलेजेस में। ये आपने सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद BDS की भी प्रेफरेंस आप दे दें। उसके बाद आपका अपना एग्रीगेट इंफॉर्मेशन वगैरह ये सब कुछ आप चेक कर लें, क्रॉस चेक इट, एंड इंशाल्लाह आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, मे अल्लाह प्रॉस्पर ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून्ड।